नमस्ते, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैंने आपको अब से पूर्व वाले अध्याय में रस शब्द की निरुक्ति, उत्पत्ति, रस के बारे में जानकारियाँ दी गई। इसके बाद मैंने रस और रसायन के बारे में बताया, रस के बारे में पिछले चैप्टर में पुनः बताया आपको। अब रसायन शब्द के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि रसायन किसे कहते हैं, रसायन क्या है, इसके बारे में आपको पूर्ण शॉर्ट रूप से तो मैंने पिछले अध्याय में बता दिया था। अब रसायन के कॉन्सेप्ट को मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। रसायन आयुर्वेद के अष्टांगों में महत्वपूर्ण अंग है। आयुर्वेद के आठ अंग जो आयुर्वेद के हैं उसका वर्णन मैं पूर्व अध्याय में कर चुका हूँ। अष्टांगों में वर्णन है तो अष्टांग में था काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषई, ये आयुर्वेद के आठ अंग हैं। आयुर्वेद के इन दो प्रमुख उद्देश्यों स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस विकार प्रसन्नम चय, मतलब आयुर्वेद का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद का उद्देश्य ये भी आपको याद करना है श्लोक, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम चाहे। तो पहला उद्देश्य क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें। जैसे मैं स्वस्थ हूँ तो मैं स्वस्थ कैसे रह सकता हूँ आगे, उसकी रक्षा करने के लिए मुझे रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। तो वो एक एक उद्देश्य हो गया। दूसरा क्या है उद्देश्य, आतुर से विकार प्रशमनम चाहे। और अगर मान लो स्वस्थ व्यक्ति किसी कारण से आतुर हो जाए, बीमार हो जाए, तो उसके विकार का प्रशमन करना। तो आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये प्रथम उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है, यदि वो रोग को प्राप्त हो जाता है, बीमारी को प्राप्त हो जाता है, तो आतुर हो जाता है, तो उसको औषधियों से उसका विकार को प्रशमन, विकार जो विकार हुआ उसको शांति करने के उपाय करने चाहिए। यह आयुर्वेद का दूसरा उद्देश्य है, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रथम उद्देश्य स्वास्थ्य परीक्षण एवं द्वितीय रोग प्रशमनम से रसायन का उद्देश्य प्रधानतः स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्वास्थ्य संवर्धन से है। मतलब ये रसायन से यहाँ तुरंत अपन ये समझ सकते हैं कि आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य रसायन ही है। स्वस्थ व्यक्ति कब रहेगा, जब रसायन सेवन करेगा। तो यहाँ प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति स्वास्थ्य संवर्धन से ही है। वस्तुतः रसायन का सीधा संबंध रस संवहन एवं धातु पोषण से है। क्या है, इसलिए रसायन का सीधा संबंध किससे हो गया, रस संवहन एवं धातु पोषण से है। रस का संवहन होना, रस का मतलब जो अपना आहार रस चल रहा है उसका पर्याप्त रूप से संवहन हो आहार के बाद में, और धातुओं का पोषण हो, धातुओं का पोषण की जो विधि बताई गई है उससे पोषण हो पूरा। रस से रक्त बने, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा शुक्र, शुक्र इस प्रकार धातु, मतलब ये सातों धातुएं जो बताई गई है इनका क्रम से उत्तरोत्तर वर्धन हो, तो ये बताया गया है। उत्तम पोषण के माध्यम से प्रशस्त धातुओं के निर्माण के उपाय को ही रसायन कहा गया है। क्या कहा गया है, रसायन की परिभाषा पुनः कि उत्तम पोषण के माध्यम से प्रशस्त धातुओं का, यानी अच्छी धातुओं का, प्रशस्त यानी उत्तम धातुओं का निर्माण के उपाय को ही रसायन कहा गया है, रसायन की परिभाषा है। आगे इसकी परिभाषा क्या है, लाभोपायो ही सत्वानाम रसादीनाम रसायनम, ये चरक चिकित्सा में कहा गया है कि लाभोपायो ही सत्वानाम रसादीनाम रसायनम, ये उत्तम पोषण धातुओं का ये वही किया गया है। आगे लिखा गया है, यत जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम, जो व्याधि को और जरा अवस्था को रोक दे, उसको खत्म कर दे, उसी को रसायन कहा, ये सारंगधर संहिता में कहा गया है। और आगे क्या सुश्रुत ने क्या कहा गया है, रसायन की परिभाषा में, रसायन की परिभाषा में कि रसायन तंत्र नाम किसका दिया है, रसायन तंत्रम नाम वय स्थापन मायूर मेघा बलकरम रोगापहरणम समर्थम च, जो रसायन किसे कहेंगे कि जो नाम किसे कहेंगे, वय स्थापन, वय यानी उम्र की स्थापना करे, आयु को बढ़ाए, मेघा यानी बुद्धि को बढ़ाए, बलकरम बल को बढ़ाए, रोगापहरणम चे रोगों को हरने में समर्थ हो, उस चिकित्सा को रसायन चिकित्सा कहेंगे। ये सुश्रुत ने इसको बहुत अच्छा उसका निर्वर्णन किया है सुश्रुत ने। इसी प्रकार इसकी परिभाषा क्या होगी, शरीर के प्रशस्त धातुओं के निर्माण के परिणाम स्वरूप मनुष्य दीर्घायु क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप प्रशस्त धातु बनेगी तो क्या होगा,
अच्छी प्रकार की धातुओं का निर्माण होगा, अच्छी प्रकार से भोजन करेंगे तो अच्छा भोजन करेंगे, पौष्टिक भोजन करेंगे तो अच्छा रस बनेगा, अच्छा रस बनेगा तो अच्छा रक्त बनेगा, अच्छा रक्त होगा तो रक्त से मांस धातु का निर्माण होगा, उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण खले कपोत न्याय से है, है? खले कपोत न्याय जो न्याय क्षीर दधि न्याय जो बताइए ना, धातुओं के पोषण की जो विधि बताई है शास्त्रों में, खले कपोत न्याय है, दूसरी धातु पोषण के सिद्धांत जो बताएंगे, इनसे इनसे जो होती है उस प्रकार से है। तो क्या बताया कि शरीर की प्रसुद्ध धातुओं के निर्माण से परिणाम स्वरूप स्वस्थ मनुष्य दीर्घायु व्याधि क्षमत्व क्या प्राप्त करता है, दीर्घायु प्राप्त करेगा, व्याधि क्षमत्व प्राप्त करेगा यानी इम्यूनिटी, व्याधि को से जीतने की क्षमता, व्याधि क्षमत्व जो आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे आवश्यक है, आज के परिप्रेक्ष्य में जो कोरोना रोग हो रहा है इसमें व्याधि क्षमत्व ही रोगी रोग को बचा रहा है और कोई कारण नहीं बचाने का, ये अजात शत्रु है, यानी अज्ञात शत्रु है, इसको अपन को इस वायरस का कोई ज्ञान नहीं किसी को, वही व्यक्ति बच रहा है जिसके पास व्याधि क्षमत्व है, जो व्याधि उनको जीतने की इम्यूनिटी पावर इसका बहुत अच्छा है वही जीत रहा है। तो व्याधि क्षमत्व जिसके पास है, अपने आयुर्वेद शास्त्र बहुत पहले से कह गया कि व्याधि क्षमत्व जिसके पास है वही सबसे श्रेष्ठ रहेगा। व्याधि क्षमत्व मेघा शक्ति एवं प्रभा वर्ण, प्रभा शरीर का वर्ण जो है प्रभा कांतिमय हो, स्वर औदर्य स्वर उसका अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, इत्यादि की प्राप्ति होती है, ये रसायन से प्राप्ति होती है, रसायन मात्र औषधि अव्यवस्था न होकर, रसायन क्या है मात्र औषधि व्यवस्था न होकर औषधि आहार विहार एवं आचार का विशिष्ट संयोग है, विशिष्ट प्रयोग है, जिसका उद्देश्य शरीर में उत्तम धातु पोषण के माध्यम से, उत्तम धातु पोषण के माध्यम से आगे क्या होगा दीर्घायु व्याधि क्षमत्व एवं उत्तम मेघा शक्ति का उत्पन्न करना होता है। रसायन का प्रयोग प्राय स्वस्थ व्यक्ति में उत्तमोत्तम स्वस्थ की कामना के किया जाता है। रसायन के इस प्रकार के प्रयोग को काम्य रसायन कहते हैं, क्या कहते हैं, इस प्रकार के प्रयोग को काम्य रसायन कहा गया है। कुछ रसायनों का प्रयोग रुग्णावस्था के रोग विशेष के प्रशमन सहित स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से किया जाता है, ऐसे रसायनों को नैमित्तिक रसायन कहा जाता है, यानी निमित्त रूप में, मतलब ये सिर्फ निमित्त उस निमित्त प्रयोग किया जाता है उसको नैमित्तिक रसायन कहे जाते हैं। रसायन का प्रयोग सर्वाधिक चरक संहिता काल में ईसा पूर्व से होता था, ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में व्याधियां कम थी, अतः रोग की चिकित्सा से अधिक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के रक्षण की अधिक महत्व दिया जाता था। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करोगे तो व्याधियां वैसे ही नहीं होंगी, स्पष्ट है, दिया जाता था। कालांतर में धीरे धीरे समाज में विभिन्न कारणों से रोगों की संख्या बढ़ती गई एवं रसायनों का प्रयोग कम होता गया, रसायनों का प्रयोग कम होता गया तो व्याधि बढ़ती गई और कुटी प्रावेशिक रसायन तो बंद ही हो गया। चिकित्सकों द्वारा एक कुटी प्रावेशिक विधि से रसायन कहते थे, एक तो रसायन क्या है, आप व्यक्ति रसायनों का सेवन सामान्य रूप से कर सकता है आम जीवन जीते हुए, एक एक रसायन की अलग से प्रक्रिया है कुटी प्रावेशिक, यानी एक अलग से कुटी यानी कमरा बनाया गया है, उसमें आपको उसको रखा जाए, उसी में रख के वो रसायनों का सेवन करें तो वो अत्यधिक कारगर थी, वो तो आजकल शायद बहुत कम उपयोग में ली जाती है, इसलिए कहा बंदी होगी। चिकित्सकों द्वारा रोगियों को सामान्य चिकित्सा के साथ रसायन औषधियों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया, मतलब जैसे आज एंटीबायोटिक देते हैं सामान्य, उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स देना, ये इनका प्रयोग कर दिया गया, जिससे नैमित्तिक रसायन पद्धति का प्रचलन हुआ और आज भी लगातार प्रचलन में है। रसायन का प्रभाव क्या है, सभी रसायन शरीर में पोषण क्रिया को अधिक प्रभावी करके, रसायन का प्रभाव क्या होगा, सभी रसायन जो है शरीर के पोषण क्रिया यानी इसकी पाचन क्रिया है पोषण क्रिया को अधिक प्रभावी करके प्रशस्त धातुओं का निर्माण, देखो बार बार आया प्रशस्त धातुओं का निर्माण करने में सहायक होता है, जिनका दूरगामी प्रभाव क्या होता है, दीर्घायुष्य व्याधि क्षमत्व यानी उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ना मेगा शक्ति के रूप में अभिव्यक्ति होता है। ये रसायन संभवतः निम्नलिखित तीनों या इनमें से किसी एक या दो माध्यमों से धातुओं का पोषण क्रिया को प्रभावी बनाते हैं, किससे, एक पोषक रस के स्तर से, दूसरा अग्नि के स्तर पर, मतलब पोषक रस के स्तर पर तो ही अग्नि, मान लो जठराग्नि बंद होगी तो पोषण होगा ही नहीं, तो अग्नि के स्तर पर, तीसरा है स्रोतस के स्तर पर, अग्नि ठीक है आपकी पाचन सही हो रहा है लेकिन उसको स्रोतस ठीक नहीं है, आपके मार्ग ठीक नहीं है जाने का, तो वो तो भी नहीं हो पाएगा। तो तीनों माध्यम से, पोषक स्तर के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से और स्रोतस के स्तर पर ही रसायन का काम आगे बढ़ता है। उसी को आगे बताया इन्होंने कि रसवर्धक रसायन
दशमा रसायन कौन से हो गए कि सतावरी, खरजूर, दुग्ध, घृत आदि। कई रसायन ऐसे होते हैं जो स्वयं के रसवर्धक होते हैं, स्वयं रसवर्धक होते हैं अर्थात इनके पोषण अर्थात अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये द्रव्य पाचन पोषण के साथ पोषक रस धातु में मिलकर सीधे धातु पोषण की क्रिया में सहायक होते हैं, इसलिए इन क्या कहते हैं, रसवर्धक रसायन कहते हैं। दूसरे रसायन कैसे होते हैं, अग्निवर्धक रसायन, अग्नि को बढ़ाने वाले रसायन, जैसे पिपली आदि अनेक रसायन द्रव्य ऐसे हैं जो अग्नि के स्तर पर काम करते हैं। घी रसायन जठराग्नि तथा धातुआग्नि शक्ति की वृद्धि करके, जठराग्नि मतलब धातु जो जठराग्नि है वो एक है, इससे इसके आगे 13 और अग्नियां हैं जो समस्त धातुओं में होती है, तो धातुआग्नि शक्ति की वृद्धि करके शरीर में पाचन शोषण तथा चयापचय की प्रक्रिया को तेज करके प्रशस्त धातुओं के निर्माण में सहायक होती है और इसी माध्यम से रसायन फल की प्राप्ति होती है। आगे स्रोतोशोधक रसायन वो कौन से हैं, गुग्गुल आदि के कुछ रसायन ऐसे हैं जो शरीर में स्रोतोशोधन करके रस संवहन की प्रक्रिया को तीव्र करके धातु पोषण में सहायक होते हैं। वर्गीकरण, रसायन प्रयोग स्वास्थ्य एवं आतुर दोनों के लिए निर्दिष्ट किया गया है। स्वस्थ व्यक्ति के व्यस्त स्वस्थ व्यक्ति में क्या करेगा, व्यवस्थापन प्रभा वर्ण मेघा आदि की वृद्धि हेतु उपयुक्त रसायनों का प्रभाव जो है काम रसायन कहते हैं। रोग विशेष से पीड़ित व्यक्ति के लिए विशिष्ट प्रशमन और रोग की स्वास्थ्य के सुधार की कामना से प्रसूत रसायन नैमित्तिक रसायन कहलाते हैं और भिन्न भिन्न रोगों में भिन्न भिन्न नैमित्तिक रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्रमेह में शिलाजित रसायन, कुष्ठ में तुवरक भल्लातक रसायन का प्रयोग। नैमित्तिक रसायन रोग की पूर्ण चिकित्सा न होकर मात्र सहायक चिकित्सा होती है। रसायन प्रभाव की दृष्टि से कैसा है कि काम्य रसायन 3 प्रकार का होता है, प्राण काम्य, मेघा काम्य और श्री काम्य। प्राण काम्य है दीर्घायु कर व्यवस्थापन करने वाले रसायन, मेघा काम्य में है मेघा शक्ति बढ़ाने वाले रसायन, श्री काम्य में है श्री यानी प्रभाव वर्ण आदि की वृद्धि करने वाले रसायन, इस प्रकार से होते हैं। विशेष रसायन औषधियों की व्याधियाँ कौन सी विधियाँ, मेध रसायन मेधा वृद्धि हेतु, आचार रसायन श्रेष्ठ आहार रसायनवत प्रभावी यम नियम आदि द्वारा। प्रयोग विधि कौन सी है, रसायनों का प्रयोग अपेक्षाकृत पूर्व, रसायन का प्रयोग कब करते हैं तो इसने बताया कि रसायनों का प्रयोग अपेक्षाकृत पूर्व या मध्यमय में अधिक उपयोग होता है, मतलब यानी पूर्व यानी बालकों में और मध्य यानी युवाओं में ही उपयोगी होता है। इसमें शास्त्रों में कहा भी है पूर्वे वयसी मध्यवा, रसायनों का प्रयोग कम पूर्व में या मध्य में, क्योंकि वृद्धावस्था प्राप्त हो जाने पर बाद रसायन सेवन करने से दीर्घायु एवं व्यवस्था पर संबंध नहीं है, क्योंकि वृद्धावस्था में उनकी पोषण ही नहीं शरीर का नहीं हो पाता, सामान्य औषधि को नहीं पचा पाते तो आप रसायनों कैसे पचाओगे, इसलिए उसका नहीं हो पाता है। जबकि आजकल क्या करते हैं लोग वृद्धावस्था में रसायन का प्रयोग करते हैं वो गलत है। जरा दोष को प्राप्त धातुओं को प्रशस्त गुण नहीं रहा जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रसायन सेवन से पूर्व पहले संशोधन करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जैसे गंदे वस्त्र को रंगने से रंग नहीं चढ़ता उसी प्रकार से पंचकर्मादि क्रिया द्वारा बिना संशोधन किए मनुष्य शरीर में रसायन का प्रभाव नहीं होता। अतः रसायन का वस्तुतः दो विधियां प्रचलित रसायन की, एक तो रसायन की विधि है वातातपिक रसायन विधि और एक दूसरी है कुटी प्रावेशिक विधि। ये दो प्रकार की विधियाँ रसायन के सेवन की बताई गई है। उसमें वातातपिक में तो आप बाह्य रोगी की तरह से ले सकते हैं आउटडोर में, और कुटी प्रावेशिक में अलग से कुटी होती है उसमें दिया जाता है। तो वातातपिक में बताया है जब रसायन सेवी व्यक्ति वायु एवं आतप में रहते हुए अर्थात सामान्य जीवन जीते हुए रसायन का सेवन करता है तो इसी विधि को वातातपिक रसायन विधि कहते हैं। इसमें संशोधन अनिवार्य नहीं है और बहिरंग रसायन सेवन विधि है यानी आउटडोर में रहकर रसायन कर सकता है। कुटी प्रावेशिक विधि में क्या होता है, कुटी प्रावेशिक रसायन विधि में अंतर्गत इसके रोगी का विशेष चयन किया जाता है। अतः संशोधन कर्म से पहले संशोधन कर्म किया आवश्यक है, विशेष तौर से त्रिकुटी गर्भा का निर्माण किया जाता है और रोगी को उसी गर्भ कुटी में रह करके आचार नियमों का पालन करते हुए रसायन का सेवन करना पड़ता है। ये अत्यंत लाभकारी और कायाकल्प से समर्थ है। ये विधि कठिन है, आजकल लुप्त प्राय हो गई है। आगे औषधि चयन में लिखा है रसायन सेवन में आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार वह प्रकृति सात्म सत्व अग्नि तथा धातुओं का विचार आवश्यक है। भिन्न भिन्न वय अथवा भिन्न भिन्न प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न रसायनों का प्रयोग बताए गए हैं।
उन्हीं प्रयोगों में वांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं, क्योंकि भिन्न भिन्न वय तथा प्रकृति के लोगों में जैविक अवस्थाएँ भिन्न भिन्न होती है। उदाहरणार्थ संरक्षण के अनुसार सामान्य मनुष्य का जीवन प्रत्येक दशक में कुछ विशिष्ट जैविक भावों को ह्रास करता है, जैसे प्रथम दशक में क्रमशः बल, वृद्धि, छवि, मेघा, त्वक, दृष्टि, शुक्र, विक्रम, बुद्धि एवं कर्मेंद्रियों का ह्रास करता है, तो उसी आधार पर उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे श्लोक भी कहा है, बाल्यम वृद्धि छया मेघा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो बुद्धि कर्मेंद्रियम चेतो जीवती दृष्टो सेत। मतलब इन जीवन के उन दशकों में उन भावों का पोषक की आवश्यकता होती है, जिनका ह्रास होता है उनके पोषक देना चाहिए। इसी प्रकार देह प्रकृति साथ में अग्नि, धातु, ओजस तथा अनेक आंतरिक एवं बाह्य भावों का विचार करके ही रसायनों का प्रयोग का चयन करना चाहिए। आयुर्वेदिक ग्रंथों में बड़ी संख्या में वानस्पतिक वर्गीय एक की रसायनों का प्रयोग वर्णन है। इनमें निम्नलिखित द्रव्यों का रसायन प्रयोग करते हैं, जैसे आम्र के रसायन, एका के द्रव, पिपली रसायन, शतावरी, अमृता, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, वचा, सिराजतु, लोह, स्वर्ण, ये सब एका के रसायन है। त्रिफला रसायन का प्रयोग भी एका के रसायन है। मेघा रसायन में है, सामान्यतः सभी रसायन मेघाकर होते हैं, क्योंकि प्रशस्त धातु निर्माण के दूरगामी परिणाम में मेघा वृद्धि होती है, परंतु चरक संहिता में ऐसे रसायन बताए गए हैं जो विशेष वर्ग है, जिनको सिर्फ बुद्धि पर ही काम करते हैं, उन्हें मेद रसायन कहते हैं। वो मेद रसायन कौन से हैं, उसमें आपको बताया गया है कि मेद रसायन में कि चरक संहिता में संघ पुष्पी, मंडूकपर्णी, गुरुची और मधुवृष्टि को चार प्रमुख मेद रसायनों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त अश्वगंधा, ज्योतिषमति, वचा, मेद्य गुण पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन सब में एंजियोलाइटिक, न्यूरोटिक तथा हाइपोनेट्रिन प्रभाव भी माने गए हैं। अब कुछ रसायन मैं आपको और बताने जा रहा हूँ आगे, वो आपको अगले चैप्टर में बताऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।